आडवाणी को मनाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब लालकृष्ण आडवाणी से मिलने उनके घर सुषमा स्वराज पहुंच गई हैं। पहले मोदी पहुंचे थे, एक घंटे मुलाकात की, और अब सुषमा स्वराज आडवाणी को मनाने के लिए उनके घर पहुंच गई हैं। राकेश लगातार वहां से हमें अपडेट दे रहे हैं। राकेश, यानी कि ऐसा मान लिया जाए कि मोदी के मनाने से, हो सकता है ना माने हो आडवाणी, इसलिए सुषमा स्वराज को वहां पर जाना पड़ा। देखिए तान्या, जिस तरह से कल की बैठक भी जो हुई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसके बाद ये निर्देश दिया गया था, एक सलाह दी गई थी, मशविरा किया गया था, जिसमें काम सौंपा गया था सुषमा स्वराज को कि वो सीधे तौर पर कन्वे करें संसदीय बोर्ड के निर्णय कि गांधीनगर से चुनाव लड़े लालकृष्ण आडवाणी। अब कल देर रात भी उनकी मुलाकात हुई थी, गडकरी की भी मुलाकात हुई थी, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी के एक घंटे मुलाकात के बाद सुषमा स्वराज की मुलाकात हो रही है अभी, और सुषमा स्वराज काफी करीबी माने जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी को, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से सुषमा स्वराज लालकृष्ण आडवाणी को मना पाती हैं। पहले नरेंद्र मोदी की मुलाकात और अब सुषमा स्वराज की मुलाकात, तो काफी जो अहम ये मुलाकात माना जा रहा है, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से कहीं ना कहीं आपने देखा कि कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर किस तरह से चुटकी ले रही है, तो अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट को लेकर किस तरह से मानते हैं। बिल्कुल राकेश, इससे पहले भी सुषमा स्वराज आडवाणी को मनाने की कोशिश कर चुकी हैं, फोन पर भी बातचीत कर चुकी हैं, उनसे मिल भी चुकी हैं, लेकिन तब भी नहीं माने थे आडवाणी। जैसा कि आपने कहा, सुषमा स्वराज काफी करीबी है लालकृष्ण आडवाणी की। क्या अब उम्मीद है कि अभी इस वक्त जो आडवाणी के घर पर मुलाकात चल रही है आपके पीछे, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी की, इसके बाद कोई ठोस निर्णय बाहर निकल सकता है? देखिए, आज कुछ ठोस जरूर निर्णय निकलेगा, क्योंकि जिस तरह से संघ पूरे मामले को लेकर अपनी पैनी नजर रखी हुई है, जिस तरह से बीजेपी में गतिविधियां कल देर रात से जो बदली हैं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी कदावर नेता हैं, और सीधे तौर पर जो नरेंद्र मोदी से मुलाकात जो संघ नेताओं के साथ हुई थी, उसमें सीधे तौर पर ये उन्हें निर्देश दिया गया था कि वो लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करें और लालकृष्ण आडवाणी को मनाने की कोशिश करें, और जो बात जिस तरह से उनका अपनी नाराजगी है उस बात को दूर करने की कोशिश करें। एक घंटे मुलाकात चली नरेंद्र मोदी की, उन नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें रखी हैं लालकृष्ण आडवाणी के सामने, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने उस पर कुछ कही नहीं है। अब जो है लालकृष्ण आडवाणी के आज के दिन में सबसे जो करीबी नेता हैं सुषमा स्वराज, उनकी मुलाकात चल रही है, और ये मुलाकात काफी अहम है, जिसमें जिस तरह से गांधीनगर सीट को लेकर जो संशय बना हुआ है, लालकृष्ण आडवाणी नाराज हैं, तो ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो मुलाकात चल रही है उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी मानते हैं या नहीं। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है तान्या कि भले ही लालकृष्ण आडवाणी जिस तरह से नाराजगी जताते हैं, पार्टी के जो अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हैं, लेकिन देर सवेर मान जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी का भरोसा है कि लालकृष्ण आडवाणी जरूर पार्टी की बात को मानेंगे और उसको तवज्जो देंगे। पार्टी की बात को मानेंगे, ये पार्टी को भरोसा है लालकृष्ण आडवाणी मान जाएंगे आखिरकार। लेकिन इन सबके बीच राजनाथ सिंह के घर पर क्या हो रहा है, जाने के लिए शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, जब पार्टी में इस तरह का घमासान मचा हो, नाराजगी हो, मनाने की कोशिशें तेज हो, तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष का रोल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राजनाथ सिंह के घर पर क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से आडवाणी को मनाने की वहां से कोशिशें की जा रही हैं? देखिए तान्या, यहाँ सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं उनका तांता लगा हुआ है, साथ ही साथ जो आडवाणी जी जो रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की भी कोशिश है। ये पूरी कोशिश की जाएगी राजनाथ सिंह द्वारा, पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है सबको एक लय में और सबको एक कतार में लेके चलना, एक साथ लेके चलना। तो अब राजनाथ सिंह का एक महत्वपूर्ण रोल सामने आएगा। लगातार कल से बैठकों का दौर जारी है, आडवाणी जी के घर पर लगातार बैठकें हो रही हैं, राजनाथ सिंह से लगातार संपर्क साधा गया है। अभी जो हमने जानने की कोशिश की, राजनाथ सिंह फिलहाल किसी जरूरी काम से चेन्नई गए हुए हैं, जब वो लौटेंगे तो यहाँ जो पूरी जिस तरीके से मनाने की कवायद हुई है उसमें वो पूरी तरीके से संपर्क हैं। जो नेता, जो आला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो आडवाणी जी को मनाने में लगे हुए हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। तो किस तरीके से आडवाणी जी को इस तरीके से लोकसभा चुनावों को ध्यान मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से मनाया जाएगा, उसमें पूरी कोशिश करते नजर आ रहे हैं राजनाथ। बिल्कुल, आप तीनों से हम आगे भी इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ा सवाल, क्या गांधीनगर से लड़ने को तैयार होते हैं लालकृष्ण आडवाणी या फिर नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन